दोस्त शिक्षक शुभचिंतक दीपक सिंह RHA लक्स एंड RHA करके अगर आप डालें तो प्लेलिस्ट पे ये पूरा करीब 100-200 वीडियोस हैं जिसमें आपके शिक्षा के ही उद्देश्य से डाले गए हैं। ये व्यवसायिक शिक्षा का चुंबकत्व कक्षा 11 का रेडियो रंगीन टेलीविज़न कक्षा 11 का चुंबकत्व हम देखते हैं। तो इसके अंदर हम देखिए तो जो कंटेंट है हमारे चुंबकीय द्विध्रुवी के बारे में आपसे पूछ सकता है, बल आघूर्ण है आपका क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या है। द्विध्रुव मतलब जिसके दो पोल हों, नॉर्थ साउथ, और निरक्षी स्थिति अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय लौह चुंबकीय क्या है, और विचुंबकन क्या है। सीधी सी विचुंबकन जिसका चुंबकत्व ख़त्म कर दीजिए वो विचुंबकन उसी प्रक्रिया को कहेंगे, उसका विचुंबकन ख़त्म करने के लिए ताप बढ़ा के हो सकता है। आगे पढ़ते हैं, और लोहे और फौलाद के चुंबकीय गुणों में अंतर क्या है, विद्युत चुंबक किसे कहेंगे, पृथ्वी के चुंबक का में चुंबकत्व का कुछ प्रमाण के बारे में वैज्ञानिकों ने क्या डिस्कशन किया, नमन कोण किसे कहते हैं, उदासीन बिंदु किसे कहते हैं। तो ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि ये मैक्सिमम आने वाले क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं बारी बारी, और बहुत आसान है और ईजी वे में हम इसको पढ़ जाएंगे कि अगर आप कोई दो चुंबकीय जैसे किसी चुंबकीय कंपास को आप ले लें, किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उस पर एक बल तो काम करेगा ही, बल आघूर्ण बल युग्म मतलब उसको घुमाने का काम करेगा। तो वही उसी को हम जो है अपनी सामान्य स्थिति में घुमा के ले आके रखने की कोशिश करेगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जो है उसको रखने की कोशिश करेगा, संरेखित करने का मतलब वही है। तो इसी को जो है हम एक तरह से चुंबकीय वैद्युत द्विध्रुव इसी प्रकार के स्थिति वैद्युत द्विध्रुव में एक बल आघूर्ण लगेगा तो ये चुंबकीय दिक्सूची कह लें, दंड चुंबक कह लें, धारावाही लूप कह लें, या धारावाही प्रणालिका का चुंबकीय क्षेत्र में व्यवहार ठीक वैसा है जैसा चुंबकीय क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव आपने पढ़ा होगा। तो वह वैद्युत द्विध्रुव हमने एक छोटा सा लिया था तो वैसे ही चुंबक है N और S करके, तो इसी को चुंबकीय द्विध्रुव कहेंगे हम। और इसका जो है आगे देखते हैं, अगर ये धारावाही कुंडली में अगर इसको हम देखिए जैसा कि ये चित्र में बना हुआ, ये चित्र ही समझाता है नॉर्थ पोल साउथ पोल है और इसी पर आपका DC मोटर भी काम करेगा, आगे चल के समझेंगे हम। तो अगर ऐसे धारा बह रही है, आप इस चित्र को देख लीजिए, बहुत ईजी चित्र है, नॉर्थ साउथ पोल है और चार एक आयताकार ऊपर बना देना है आपको, और इसका फार्मूला भी सामने दिख रहा है कि इसमें जब करंट इस तरह से आप प्रवाहित करेंगे तो जो लगने वाला बल होगा आपका इस चित्र में वो सदैव चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रहेगा, क्योंकि देख रहे हैं लंबवत सीधे रहेगा, और लंबवत होने के कारण जो है ये अभी आएगा दूसरे में तो आप समझ जाएंगे। तो बल आघूर्ण जो आपका रहेगा F जो बल इसमें लगेगा वो आपका सूत्र पूछता है कि बाह्य चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का सूत्र बताएं और समझाएं। तो चित्र के साथ आप बता भी सकते हैं और समझा भी सकते हैं, और चूंकि साइन थीटा यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा तो IBL तो दूरी हो गई आपकी लंबाई लूप की, और B आप जान ही रहे चुंबकीय क्षेत्र वाई धारा, और फोर्स न्यूटन, मात्रक भी न्यूटन, एम्पियर वेबर पर मीटर स्क्वायर, L मीटर, तो ये समझा सकते हैं आप इस तरह से इस चित्र के माध्यम से। और आगे हम देखते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या चीज़ है, ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या चीज़ है। तो किसी चुंबकीय द्विध्रुव दंड या लूप धारावाहिक जैसा भी हमने देखा, तो इस पर जो काम करने वाला जो बल का आघूर्ण होता है उसको हम टाउ से प्रदर्शित करते हैं, और उसको हम ये देखिए टाउ इस तरह से बनाया जाता है, ये टाउ PE साइन थीटा। तो ये अक्सर पूछता है कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो इसके जो है इसमें चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर जो है अगर उसकी प्रवृत्ति जो है द्विध्रुव को घुमाने की, उसमें तो आपने देखा था कि लंबवत थी, इसमें समानांतर है क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पूछ रहा है आपसे, और वहाँ बाह्य चुंबकीय के कारण था, तो यहाँ चुंबकीय द्विध्रुव के कारण उनके समानांतर
जो है उनका प्रवृत्ति जो है घुमाने की उसकी समानांतर होगी। तो टाउ से इसको हम दिखाते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट भी अंग्रेजी में कहते हैं, वैद्युत आघूर्ण कहते हैं इसको, टाउ, तो पी ई साइन थीटा। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। और इतना पूछता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, इसको समझ आइए, सूत्र लिखिए, तो इतना ही बताना रहता है और ये आप जानेंगे आगे और प्रैक्टिकल में। और इसका मात्रक भी आपसे पूछता है, तो टाउ का मात्रक आप जो है एम के मेरे फॉर्म में निकलता है, तो एम का मात्रक जो आता है एन आई ए, तो वो आपका एन आई एम का मात्रक एम्पियर डैश मीटर स्क्वायर इससे परिभाषित किया जाता है। किसी चुंबक के एक न्यूटन को चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में लंबवत रखने पर न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण करे तो चुंबकीय आघूर्ण एक एम्पियर मीटर स्क्वायर होगा। ये चीज़ सीधे आपसे कह रहा है। और फिर चुंबकीय क्षेत्र दंड आघूर्ण, अगर दंड चुंबक पर बल आघूर्ण अगर आपने समान क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में स्थित अगर रखा तो उस पर जो बल आघूर्ण लगेगा, जो कि फिगर इस तरह से देखें आप, तो ये थोड़ा झुका हुआ है और ये चुंबकीय क्षेत्र आपका इस तरह से है, ये दंड आपका रखा हुआ है, तो इस पर जो करंट इस तरह से इसको घुमाने का कोशिश करेगा। तो इसका सीधे फार्मूला आपसे पूछता है कि इसका फार्मूला क्या है, तो वो भी वही आएगा, लेकिन ये समानांतर क्रम में काम करेगा। और इसका भी फार्मूला टाउ पी ई साइन थीटा, ये आपका इसे आप चुंबकीय आघूर्ण भी कह सकते हैं, ये आपका चुंबकीय बल आघूर्ण आपका, जिसका आघूर्ण निम्न होगा, टाउ पी ई साइन थीटा। तो इसे आप याद रखें, चुंबकीय द्विध्रुवीय आघूर्ण क्या है, और इस बस इसका और इसका मात्रक भी आप देखें तो आपको पूछ सकता है। और एक चीज़ और पूछता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव को अगर आप कोई बाहरी चुंबकीय क्षेत्र है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य उसका क्या मतलब है, और उसको सूत्र लिखिए, ये अक्सर पूछा जाता है। और देखिए अक्सर यहाँ सूत्र यहाँ आपको दिया है डब्ल्यू इक्वल टू पी ई वन माइनस कॉस थीटा, जहाँ पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो इस सूत्र को भी अगर आप लिखते हैं तो आपका पूरा सही है, और पी आप जान ही रहे हैं, और ई तीव्रता है, कॉस थीटा वही झुकाव है उसका, और चुंबकीय द्विध्रुव मान लीजिए दंड चुंबक भी हो सकता है, धारावाही भी हो सकता है, और धारावाही कुंडली आदि भी हो सकता है। और अगला देखते हैं कि इसकी आपसे पूछता है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा का सूत्र बताइए। तो स्थिति ऊर्जा का सूत्र अगर आपसे पूछता है तो आप बहुत सीधे सीधे समझ में आप देखें तो जो है ये सीधे सीधे सूत्र W इक्वल टू एम बी कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू, जो कि किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव को स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, उस कार्य के बराबर होती है जो द्विध्रुव को अनंत से उस क्षेत्र के अंदर लाने में काम करना पड़ता है। तो यही चीज़ है, इसी से स्थिति ऊर्जा आपका फार्मूला ये बनता है। और अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र द्विध्रुव के कारण, निरक्षीय स्थिति मतलब इस तरह की स्थिति को आप निरक्षीय स्थिति कहेंगे, सॉरी अक्षीय स्थिति कहेंगे, तो इसका सीधा सूत्र आपसे पूछता है, तो ये सूत्र आप याद रख लीजिए, टू यम बटा आर क्यूब, टू यम बटा आर क्यूब, और यम को आपने यहाँ पर समझा है कि यम आपका क्या है, यम इक्वल टू यन एन आई ए, एरिया है ए, ये नंबर ऑफ अगर फेरा है एक फेरा, आई करंट है, और ये आपका उस तार का जो है एरिया जो काटेंगे पाई आर स्क्वायर, वो एरिया है, मतलब गोलाई नहीं कटेगा तो पाई आर स्क्वायर एरिया। तो अच्छी स्थिति में देखें तो ये सूत्र बन जाता है हमारा, अच्छी स्थिति मतलब ये सूत्र है न्यूटन पर मीटर एम्पियर मीटर जो है, और ये अक्षीय स्थिति में आर दूरी से अनंत आवेश को लाने में यहाँ पर किया गया स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र निरक्षीय स्थिति में।
और अब आते हैं निरक्षी। अक्षी तो आपने देखा, अब निरक्षी स्थिति इस तरह की बनती है। तो निरक्षी स्थिति में आप देखिए इस तरह का चित्र बना लीजिए और सीधे सीधे आप जो है आप सीधे सीधे इस फार्मूले को आप जो है लिख लेंगे तो आपका ख़त्म हो जाएगा। मैंने थैंक्स छात्रों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है और नेक्स्ट में हम अचुंबकीय प्रतिचुंबकीय को डिस्कस कर लेंगे। थैंक्स।